हाय, आई एम प्रीति। वेलकम टू डेली देसी डिशेस। और मैं आज जबे बनाने जा रही हूँ। तो जबे बनाने के लिए मैं पहले वेजिटेबल कट करूँगी। और जब भी हम टमाटो काटते हैं तो हम हमेशा बीच का, मतलब पीस का पार्ट निकाल देना चाहिए, ताकि उसमें अच्छा टेस्ट आता है। जब भी बनाते हैं या मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं, तो हमें टमाटर का बीच का पार्ट थोड़ा सा निकाल देना चाहिए, उससे अच्छा टेस्ट आता है। यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आलू है, मसाले हैं, प्याज है, टमाटर है, कड़ी पत्ता, लहसुन, मटर, ये सारे मसाले इसमें डालेंगे। और मैं इसमें सब्जी मसाला भी डालती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्जी। और इसमें मैं सूखी खटाई भी डालती हूँ। मेरे पास सूखी खटाई नहीं थी, तो मैं इसीलिए इसमें चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा, वरना सूखी खटाई से वो तो थोड़ा सा चाट मसाला बहुत ज़रा सा लास्ट में डलता है, बाकी सूखी खटाई डल जाए। इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डालूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए देसी घी इतना यूज़ कर रही हूँ। बाकी कोई सा भी आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी घी में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फ्राई कर देना इसको, हल्का सा फ्राई कर लेंगे गोल्डन फ्राई करके। अगर आपके पास रोस्टेड वाली भी आती है उसको भी, लेकिन हल्का से कर लो तो अच्छा रहता है। बाकी तो वो भी वैसे भी यूज़ हो जाती है। इसमें मैं पीनट फ्राई करूँगी। ये सब फ्राई करके मैं एक साइड रख लूँगी। इसी में ही मैं आलू भी थोड़े से फ्राई कर लूँगी, जो ऊपर से डाले जाएंगे। बहुत से लोग उसमें डाल के भी डाल के जब बनती है ना तभी भी डाल देते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़े से आलू और पीनट, लेकिन मुझे ना ऊपर से डाल के फ्राई करके अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं अलग रखती हूँ। ये मैंने मटर, रोस्टेड मटर रख ली थी, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे ही मटर इतनी नहीं मिलती है, तो इसमें मुझे मटर भी अच्छी लगती है। बाकी आप जो भी सब्ज़ी डालना चाहो वो डाल सकते हो, जैसे कि शिमला मिर्च भी डलती है, वो अभी थी नहीं मेरे पास तो मैंने मटर थोड़ी सी डाल दी इसमें। हम लोग को मटर भी अच्छी लगती है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको मटर नहीं अच्छी लगती बहुत से लोगों को, तो नहीं डालो। इसमें थोड़ा नमक डाल के और गर्म पानी डाल के और उसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे, तो उससे ना जो उसका थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और फिर इसको अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ करो, तो फिर अच्छा टेस्ट आता है इसका। फिर हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसके बाद जीरा, और मैंने थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया कूट के वो डाल रही हूँ इसमें। बहुत ज़रा सा जीरा और सूखा धनिया डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डलता है इसमें। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी, वो ताकि हल्का सा फ्राई हो जाए लहसुन भी। इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का ही फ्राई करना है बस। ये भी हल्का सा, हल्की सॉफ्ट हो जाएगी जब प्याज, तब फिर मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। कड़ी पत्ता डालूँगी। कड़ी पत्ता पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो जल जाता सारा, इसलिए मैं जब प्याज डालती हूँ उसके बाद मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से जले भी नहीं और अच्छे से कुक भी, वो फ्राई भी हो जाए। अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और ये पिसा हुआ धनिया, और ये लाल मिर्च, चाट मसाला और गर्म मसाला अभी नहीं डालूँगी, वो मैं बाद में डालूँगी। अभी मटर डाल दूँगी और ये टमाटर भी इसमें अभी डाल दूँगी। इसको हल्का सॉफ्ट होने देंगे, नमक डाल देंगे हल्का सा, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद पानी डालेंगे। जब ये हल्की से सॉफ्ट हो जाएगा सारी सब्जियाँ, तो फिर इसमें हम पानी डाल देंगे।
उसके बाद जबे धीरे धीरे करके डालेंगे अच्छे से मिक्स करके। पानी उतने ही डालें इसमें कि बस ऊपर तक आ जाए, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो गल जाएंगे सारे। अब मैं इसमें गरम मसाला, नमक और चाट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। इस टाइम पे डालो तो टेस्ट तो सही रहता है, जलता भी नहीं है मसाले। अब इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब मेरी ना हरी मिर्च पड़ी होती है, वो ना लाल पड़ी है कुछ पड़ जाती हैं, तो मैं उनको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, या फिर जब फ्राई करती हूँ सब्जी तब डाल लो उनको, या फिर ऊपर से इसे थोड़ी सी डाल के डाल सकती हूँ। अब इसमें मैं सब्जी मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला और डाल रही हूँ, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका स्वाद अच्छा है। इस टाइम पे डालोगे तो इसका टेस्ट अच्छा आता है और जलते भी नहीं है मसाले। अब अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के इसलिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए, मसाले मिल जाए सारे में। अब 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। फिर ये इसमें मैं देसी घी डाल दूँगी ताकि खिले खिले से हो जाए। जब भी हम राइस बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं ऐसे जवे वगैरह, तो फिर हम उसमें राई घी डालते हैं तो खिले खिले से बनते हैं। अब ये मैं ऊपर से आलू जो फ्राई किए थे मैंने वो डेकोरेट कर दूँगी, और पीनट आपकी मर्जी है, आप उसमें ऊपर से जो आलू भुजिया आती है वो डाल के भी खाएं तो वो भी अच्छी लगती है। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा आपको चाहिए। अब ये तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।